देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में दिल से लव यू मॉम लिखना ना भूलें, क्योंकि आज की कहानी माँ को समर्पित है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद अब मैं और मेरी माँ लोगों से भरी दुनिया में एकदम अकेले पड़ चुके थे। जो चुनिंदा रिश्तेदार थे वो भी अब हमें देखकर आंख चुराने लगे थे। मेरी माँ मुझे किसी तरह पाल तो रही थी, मगर कुछ महीनों ने ही माँ की पहाड़ जैसी हिम्मत को चकनाचूर कर दिया था। गिरती सेहत ने उन्हें बिस्तर पर लापटका था। मैं महज 12 साल का ही था, पर कुछ ही महीनों ने मुझे मेरी उम्र से कहीं ज्यादा सिखा दिया था। उस रात मेरी माँ बुखार से तप रही थी और मैं वहीं उनसे लिपटे हुए रोए जा रहा था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे सर से माँ का साया भी उठने वाला है। तभी देखते ही देखते मेरी माँ बेसुध सी हो गई और उनका शरीर अब पानी बन चुका था। मैंने पहले कभी माँ को इतना खामोश शांत नहीं देखा था। फिर जब मेरी नज़र चारपाई से झूलते हुए माँ के हाथ पर गई तो मेरा कलेजा एकदम से फट आया। मेरी माँ गुजर चुकी थी। वो दिवाली की रात थी। बाहर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उस वक्त इतनी धीमी पड़ गई थी कि मेरी छोटी सी झोंपड़ी के अंदर तक वो नहीं आ पा रही थी। मैं रोते रोते कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं वहीं माँ के चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था। फिर जब मैंने उठकर चारपाई पर नजर डाली तो माँ उस चारपाई पर नहीं थी। मैं मामा चिल्लाते हुए घर के बाहर आया और माँ को आवाज देने लगा। जल्दी मुझे एहसास हुआ कि माँ अब मुझे सुन नहीं सकती, वो बहुत दूर जा चुकी है। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा कि मेरी माँ को कौन ले गया, पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम, पर मैं रो रो के दो बार बेहोश हो चुका था, पर किसी को भी मेरे पर जरा से भी दया नहीं आई। मुझे रोता देख मोहल्ले का कुत्ता, जिसका नाम माँ ने गुड्डू रखा था, वो मेरे पास आया और मेरे को अपने साथ जाने के लिए कहने लगा। मुझे लगा कि गुड्डू को पता है कि माँ कहाँ पर है, और ये सोचकर मैं गुड्डू के पीछे पीछे चल दिया। गुड्डू के पीछे चलते चलते मैं काफ़ी दूर चला आया था। ऊपर से सूरज भी कब का ढल चुका था और उस सुनसान जगह पर मेरे और गुड्डू के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। तभी गुड्डू जंगल की तरफ जाने लगा। मैंने गुड्डू को काफ़ी रोकने की कोशिश की, मगर गुड्डू नहीं माना और मजबूरन मुझे भी गुड्डू के पीछे पीछे उस जंगल में जाना पड़ा। फिर जंगल के काफ़ी अंदर आने के बाद गुड्डू एक जगह पर चुपचाप बैठकर रोने लगा। आसपास काफ़ी अंधेरा था, जिस वजह से कुछ ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे कोई लेटा हुआ नजर आया। फिर जब मैं दौड़कर उसके पास गया तो मैंने पाया कि वो मेरी माँ ही है। मैं माँ से लिपटकर रोने लगा और मैं अभी अपनी माँ से लिपटकर रो ही रहा था कि तभी 3 से 4 औरतें आईं और हवा में हमारे चारों तरफ घूमने लगीं। वो चारों इतनी डरावनी थी कि मैं माँ से बोल रहा था, माँ उठो, मुझे डर लग रहा है, माँ उठो। तभी उनमें से एक ने कहा, तुझे पता नहीं, तेरी माँ मर चुकी है, अब ये कभी नहीं बोलेगी, तू जा यहाँ से, अब ये हमारी है। पर मैं किसी भी हालत में अपनी माँ को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने डरते डरते ही सही पर कह दिया, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मेरी ये बात सुनकर वो चारों एकदम से भड़क गईं और भड़कते हुए बोली, अगर तू नहीं गया तो हम तुझे भी जिंदा चबा जाएंगे। इस पर मैंने रोते हुए कहा, फिर चबा लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पता नहीं क्यों वो चारों मेरी इस बात पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और एक दूसरे का मुंह देखने के बाद बोली, अच्छा तो तू अपनी माँ को लेकर जाना चाहता है। तो मैंने सिर्फ इस पर अपना सिर हाँ में हिलाया और मेरे हाँ कहते ही वो औरतें बोली, ठीक है, पहले हमारा एक काम करना होगा तुझे। अगर तूने वो काम सही से और बिना डरे कर दिया तो फिर हम तुझे तेरी माँ को ले जाने देंगे। मैं तुरंत ही खड़ा हुआ और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, क्या करना है मुझे। मेरे इतना कहते ही उन चारों में से एक ने कहा, ला अपना हाथ आगे कर। फिर जब मैंने अपना एक हाथ आगे किया तो उसने मेरी हथेली में कुछ रखते हुए बोला, अब तुम्हें दक्षिण की तरफ जाना है, जहां तुम्हें एक कब्रिस्तान मिलेगा। वहां पर पहुंचने के बाद तुम्हें 3 बार ये बोलना होगा कि मुझे खा लो, कि मुझे खा लो, कि मुझे खा लो। ये बोलते ही वहां बहुत से शैतान तुम्हारी तरफ झपटेंगे और इसी बीच तुम्हें
कब्र खुलती हुई नजर आएगी। तुम्हें किसी तरह उन शैतानों से बचते बचाते उस कब्र में दाखिल हो जाना है और अंदर जाने के बाद जब तक कि लाल सिर वाला बाबा तुम्हें नजर ना आए कब्र के अंदर आगे ही बढ़ते रहना है और जैसे ही बाबा दिखे तुम्हें कहना है मुझे चोनिया चुड़ैल ने भेजा है और ये जो तुम्हारे हाथ में है वो उन्हें दे देना है। बस ये सब सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है पर मेरी माँ का ध्यान रखना, मैं अभी उसे ये देकर वापस आता हूँ। मैं अभी जाने ही वाला था कि उस चुड़ैल ने कहा ध्यान रहे ये मुट्ठी बीच में कहीं खुलनी भी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद मैं अपने नन्हे कदम लेकर दक्षिण की तरफ सीधा बढ़ता रहा। मुझे ये तो पता नहीं कि वक्त क्या हो रहा था और मैं कितनी दूर आ गया था, पर यह था कि अब चलते चलते मेरी सांसें फूलने लगी थीं और प्यास से गला सूखने लगा था, पर इसके बावजूद मैं चलता रहा और आखिरकार मैं उस कब्रिस्तान में पहुँच ही गया। अब बारी थी तो बस ये कहने की मैं आ गया हूँ और मुझे खा लो। मेरे इतना कहते ही हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई और जमीन में जोरों से कंपन होने लगा और इसी बीच मेरी नज़र उस कब्र को तलाशने में लग गई जिसके अंदर मुझे जाना था। तभी मुझे वो कब्र दिखाई दी और उस कब्र पर नज़र पड़ते ही मैं उसकी तरफ भागा। मैं अभी उस कब्र की तरफ भाग ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे पीछे बड़े ही भयानक भयानक शैतान भागे आ रहे हैं, पर मैं कैसे भी करके उनके हाथ में आने से पहले उस कब्र में घुसने में कामयाब हो गया। और कब्र के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि कब्र अंदर से बहुत ही लंबी है और चारों तरफ लाल रोशनी फैली हुई है, पर मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता रहा। फिर जब वो लाल रोशनी गहराने लगी तो मुझे लगा शायद अब वो लाल सिर वाले बाबा मिल ही जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ और आगे जाते ही वो बाबा मिल गए जो काले कपड़े पहने हुए थे, पर मेरे लिए हैरान की बात तो ये थी कि उनका सिर जो लाल ही नहीं बल्कि उनके सिर की रोशनी से ही पूरे कब्र में लाल रोशनी फैली हुई थी। मैंने उन्हें देखते ही कहा मुझे चोनिया चुड़ैल ने भेजा है, और ये बोलते हुए मैंने अपना हाथ उन बाबा की तरफ बढ़ा दिया। मेरे हाथ बढ़ाते ही उस बाबा ने मेरा वो हाथ पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि वो हाथ टूटकर अलग हो गया। हाथ के टूटते ही मेरे जोर से चीख निकल गई और उस चीख के साथ मैं वहीं गिर पड़ा। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी वहीं उसी कब्र में ही था और मैं रोते हुए बोला मुझे जाने दो, मैंने अपना काम सही से कर दिया है, अब मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। मेरे इतना कहते ही वो लाल सिर वाले बाबा मेरा वो टूटा हुआ हाथ पकड़ाते हुए बोले ये ले और इस हाथ को उस कब्रिस्तान की उस मिट्टी में गाड़ देना जो लाल हो, और ध्यान रहे तेरे हाथ से ये तेरा टूटा हुआ हाथ कोई ले ना जाए, अगर ऐसा हुआ तो तू अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा। इतना सुनने के बाद मैं अपना टूटा हुआ हाथ लिए उस कब्र से बाहर निकला और उसी कब्रिस्तान में वो लाल मिट्टी ढूंढने लगा जहां मुझे अपने टूटे हुए हाथ को दफनाना था। कुछ देर उस कब्रिस्तान में घूमने के बाद जाकर वो लाल जमीन दिखी, फिर मैं तुरंत ही वहां पहुंचा और अपने टूटे हाथ को वहीं नीचे रखकर मिट्टी को खोदने लगा। मैं अभी एक हाथ से मिट्टी खोद ही रहा था कि तभी मेरे चारों तरफ बहुत सारे जानवर आ गए जो मेरे उस हाथ की तरफ देखे जा रहे थे। मुझे लगा कहीं वो मेरा टूटा हुआ हाथ लेकर भाग ना जाए, इसलिए मैंने अपना वो टूटा हुआ हाथ उठाकर अपने पास रख लिया और किसी तरह गड्ढा खोदकर वो हाथ उसमें दफन कर दिया। हाथ को दफनाते ही वो सारे जानवर भाग गए और जोरों की बारिश होने लगी। मैं अब तक इतना थक चुका था कि मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी माँ के गोद में लेटा हुआ था और मेरी माँ जो मर चुकी थी वो अब जिंदा हो चुकी थी। इसी बीच मेरी नज़रें उन चार चुड़ैलों पर गई जो वहीं पर खड़ी थी। वो मुझसे मुस्कुराते हुए बोली तूने हमारा काम किया और हमने भी अपना वादा पूरा कर दिया, अब तू जा अपनी माँ के साथ, अब तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी उम्र भर तक नहीं होगी। और ये बोलकर वो चारों चुड़ैलें वहाँ से गायब हो गईं और मैं उसी वक्त अपनी माँ और गुड्डू के साथ वापस घर लौट आया। फिर पता नहीं कैसे सब कुछ अच्छा ही होता गया और आज मेरी उम्र 65 साल हो चुकी है और मेरी माँ का देहांत 10 साल पहले एक बीमारी के चलते हो चुका है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।